एवरीवन, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माय फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन जनन के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। आप सभी को तो पता ही है कि यह रिप्रोडक्शन जनन जो टॉपिक है, यह क्लास 10th 12th और आने वाली जो एग्जाम्स है नीट और जेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी रिप्रोडक्शन अगर सिलेबस में है तो वहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जनन क्या है? जनन एक जैविक प्रक्रम है जिसमें कि नए जीव पैदा किए जाते हैं पैतृक पीढ़ी के द्वारा, या पैतृक पीढ़ी के द्वारा नए जीव को पैदा करना, नए संतति को पैदा करने की जैविक प्रक्रिया जनन कहलाती है। तो यहां से हमें एक नया टर्म मिल जाता है, लोअर क्लास वाले इस टर्म से परिचित नहीं होंगे, ऑफ स्प्रिंग्स संतति। संतति मतलब न्यू वंस को यहां पे बोल सकते हैं। और हम बात करें रिप्रोडक्शन को, तो रिप्रोडक्शन का एक और नाम होता है, इसको हम सामान्य लैंग्वेज में बोल सकते हैं ब्रीडिंग। इसको हम ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके डेफिनेशन। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट को ही फॉलो करेंगे और आगे वाली क्लास में हम इसके दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी हिंदी होती है अलैंगिक जनन। नाम से ही पता चल रहा है, तोड़ दीजिए इस वर्ड को। अलैंगिक जनन मतलब कि बिना लैंगिक क्रियाओं के होने वाला जनन। लैंगिक क्रिया क्या? युग्मकों का बनना, युग्मकों का परिवर्धन, गेमिट फॉर्मेशन, गेमिट डेवलपमेंट, फ्यूजन ऑफ गेमिट एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको बोलते हैं भ्रूणोद्भवन। तो गेमिट तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट। देखिए डेफिनेशन देखें तो उससे हम थोड़ा क्लियर कर पाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस डजंट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गेमिट और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि जो पेरेंट्स से क्रोमोसोम आता है उसमें भी कोई भी नंबर में चेंजेस नहीं है, नहीं उसका फ्यूजन हुआ है, वह आपस में मिक्स भी नहीं हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पर गेमिट फॉर्मेशन ही एब्सेंट है। गेमिट फॉर्मेशन जो है यहाँ पर, गेमिट फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है सर, एब्सेंट हो जाता है। गेमिट फॉर्मेशन बने ही नहीं, जब युग्मक का निर्माण ही नहीं हुआ तो वह फ्यूज कैसे होगा और आगे क्रियाएं कैसे करेगा? क्यों तो नया जीव कैसे पैदा होगा? जैसे कि हमने बात करी, आपने देखा हाइड्रा देखा होगा, आपने अमीबा देखा होगा, प्लेनेरिया देखा होगा, या छोटे या हमारे बड़े पौधों में भी हम देखते हैं, हम गुलाब का पौधा की कलम लगा देते हैं, हाइड्रा का अगर हम अलग जीव के रूप में एग्जाम्पल ले तो देखते हैं तो उसकी बॉडी के पार्ट से ही यह रिप्रोडक्शन कर जाते हैं। तो क्या यहाँ पे पेरेंट्स की जरूरत रहेगी? मैं कहूंगा दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह यूनिपेरेंटल मैकेनिज्म है। यूनिपेरेंटल का मतलब एकल पितृक पीढ़ी यहां पर आती है कोई भी। अब इसमें नर मादा तो बनेंगे ही नहीं, तो कोई भी एकल पितृक पीढ़ी आएगी और वो क्या करेगी, उसकी बॉडी के कोई सा भी पार्ट तो से यह रिप्रोडक्शन करेगी। जो रिप्रोडक्शन करेगी वही रिप्रोडक्शन की क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। तो जनन इकाई कौन है यहां पर? यहां पर जनन इकाई मैंने अभी भी बात करी है, मैं वापिस करता हूं। जनन इकाई कौन है? एनी पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का कोई सा भी पार्ट, चाहे वो उसकी बॉडी हो चाहे उसका वेजिटेटिव पार्ट हो, वही आगे डिवाइड हो जाता है और आगे जाके वह ग्रोथ फेस को गेन कर लेता है और आगे जाके वह वापिस से नया जीव बन जाता है और मैच्यूरेशन की स्टेज को गेन कर लेता है। अब हम आगे बात करें तो इसके और एग्जांपल देखें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हमने बात करी, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फंगस ले लीजिए, ठीक है, हमारे मॉस्किटो का जो बीमारी आता है लाता है फीमेल एनाफिलीज, उसके अंदर जो पेरासाइट है वो भी एक प्रोटोजोन्स है। आप कमेंट बॉक्स में उस प्रोटोजोन्स का नाम जरूर मुझे लिखिएगा। और लोअर प्लांट्स में हम एल्गी ले लेते हैं तो एल्गी के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करेगी, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सर डिवाइड हुआ, अब डिवाइड कौन सा होगा, तो माइटोसिस। माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब
जो पैतृक पीढ़ी है वह दो भागों में बट जाएगी। कितने भागों में बट जाएगी? दो भागों में बट जाएगी। और सेम टू सेम, क्योंकि समान रूप से न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, तो जितने क्रोमोसोम नंबर पैतृक पीढ़ी में थे, पेरेंट्स में थे, उतने ही उसके नए इन्फेंट में या ऑफ स्प्रिंग में आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे कैसा बनेगा। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे उत्पाद, या हम बात करते हैं ऑफ स्प्रिंग से है। ऑफ स्प्रिंग कैसी आएगी? तो ऑफ स्प्रिंग का नेचर की मैं बात करूं, प्रोडक्ट का नेचर की बात करूं, तो ऑफ स्प्रिंग इज सेम एज देयर पेरेंट्स। कैसी आएगी बच्चों? सेम एज देयर पेरेंट्स, उसके जिसकी पैतृक पीढ़ी है वैसी की वैसी। इसका मतलब डिटो कॉपी, ट्रू कॉपी, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम बोलेंगे प्रतिलिपि सत्य, प्रतिलिपि क्लोन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से रिप्रोडक्शन के मेथड में जो बच्चे हैं वो अपनी पैतृक पीढ़ी के क्लोन होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बनता है, और माइटोसिस में समान रूप से विभाजित होते हैं और डिटो कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। तो क्लोन का यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अगर मैं रेट की बात करूँ, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन वो बहुत हायर होगी, क्योंकि ऐसे जीव जो है बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, तो हर चीज इसमें बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो संख्यात्मक रूप से यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में या बहुत ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें माइटोसिस हो रहा है। क्या यहाँ पे वेरिएशन आएंगे? क्या वेरिएशन का मतलब विभिन्नताएं? विभिन्नताएं नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर भी चेंज नहीं हो रहे, सेम रह रहे हैं, और गेमिट भी फ्यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा। जब विभिन्नताएं नहीं आएगी तो क्या नया जीव बनेगा? नया जीव तो बन रहा है। नया जीव का संगठन क्या पुराने जीव के जैसा है? बिल्कुल, हमने अभी बात करी क्लोन है, तो नया जीव तो बना, और वह ट्रू कॉपी है अपने पेरेंट्स की। तो अब क्या, नया जीव तो बना लेकिन उसका संगठन चेंज हुआ क्या? नहीं, उसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, उसका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे वेरिएशन भी नहीं आएगा, और वेरिएशन नहीं आएगा तो नया जीव नहीं बनेगा। नया जीव का मतलब अपने पैतृक पीढ़ी से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट नहीं होता। जैसे हम लोग हैं, 50% हमारे अंदर क्रोमोसोम हमारी मम्मी के आते हैं, 50% क्रोमोसोम हमारे पापा के आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 100% उसके फर्स्ट जो पीढ़ी थी उसके ही होंगे। और उसी वजह से इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता है। तो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। थैंक यू। अब आप लोग इसको जो नोट करना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज लैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन में तो देखा था कि वहां पे कोई भी लैंगिक क्रिया नहीं हो रही थी, ना तो वहां पे गेमिट फॉर्मेशन हो रहा था, ना वहां पे गेमिट ट्रांसफर हो रहा था, ना वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ऐसी कोई भी बात वहां नहीं हो रही थी, क्योंकि वो यूनिपेरेंटल थी। लेकिन यहां पर सारी बातें उससे उल्टी होगी और एडवांस फॉर्म में होगी। तो पहले हम इसके डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कंबाइनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सेस। मतलब क्या कि दो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो लिंग है, सेक्सेस है, उनके द्वारा उनके जो गेमिट है वो गेमिट आते हैं और आपस में कंबाइंड होते हैं और एक न्यू इन्फेंट या नए जीव को पैदा करते हैं, जैसे कि मानव है। तो ये किसमें होता है? तो सबसे पहली बात तो गेमिट कैसा है, किसमें होता है? हमारे में होता है हायर प्लांट, हायर एनिमल्स, हायर इनवर्टिब्रेट्स, हायर कोर्डेट्स, सारे कोर्डेट में हो रहा है, तो इनमें सभी में हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसमें गेमिट की बात करें, गेमिट बोले तो युग्मक, युग्मक कैसा होगा और क्यों होगा ऐसा? यहाँ पे गेमिट का जो नेचर है वह नेचर होगा हेप्लोइड। कैसा होगा? हेप्लोइड। हेप्लोइड का मतलब अगुणित। अगुणित क्यों होगा, क्यों होगा, उसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं। पेरेंट की बात करें तो यह बाई पेरेंटल मैकेनिज्म है। बाई पेरेंट मतलब कि दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पर साथ में आते हैं। हमने बात करी दो डिफरेंट टाइप के सेक्सेस आ रहे हैं और आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए अलग अलग पेरेंट्स है और उनमें
जब गेमिट बना तो वह गेमिट का डिवीजन जो है कैसा हुआ, तो पहले मैं एक बार इस डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे जब गेमिट बनता, चाहे हमारे अंदर भी है, जैसे कि मेल में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवरी में ओवम बनते हैं, तो सबसे पहले उसमें माइटोसिस होगा। हम पढ़ेंगे आगे ओजिनेसिस और स्पर्मेटोजिनेसिस में, सबसे पहले वहां पर भी माइटोसिस होता है जिससे ग्रोथ फेज प्राप्त कर लेता है समसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद में डेवलपमेंट फॉर्म में आकर जो है गेमिट का क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने की वजह से ही ये इनका नेचर क्या हो जाता है, अगुणित हैप्लोइड नेचर के ये हो जाते हैं। अब जब गेमिट बन गए हैं, डेवलपमेंट की स्टेज आती है, तो एक पर्टिकुलर स्टेज को गेन करना पड़ता है, जो जैसे कि हमारे अंदर है लड़कियों में 14 साल है, लड़कों में थोड़ी इससे ज़्यादा है 16 से 18 साल के बीच में, तो अलग अलग जो लाइफ स्पान होता है अलग अलग जीवों का, उसके आधार पर जीवन काल के आधार पर उसके बॉडी की फिटनेस के बेस पर उसके अंदर गेमिट का डेवलपमेंट होता है। जब गेमिट का डेवलपमेंट होता है तो गेमिट फॉर्मेशन तो अलग अलग प्रकार के जानवरों और पौधों में अलग अलग विधियों से होता है और अलग अलग स्टेज पे होता है। तो गेमिट फॉर्मेशन होने के बाद उसका डेवलपमेंट होता है, फिर एक सेक्स से दूसरे सेक्स में वह ट्रांसफर होता है, मेनली या फीमेल में ही ट्रांसफर हो जाता है, वहां पर वह फ्यूज होता है फीमेल के गेमिट के साथ में, फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट बोले तो 2N सेल बनेगी और फिर डेवलपमेंट की स्टेज आती है और डेवलपमेंट की स्टेज आने के बाद भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होता है और फिर आगे जाकर एम्ब्रियो से हमें लास्ट में प्राप्त होता है इन्फेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या यहाँ पर रिप्रोडक्शन की रेट हाई होगी, क्या हाई नहीं होगी, वो लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है यह टाइम बहुत ही ज्यादा लग रहा है, यह टाइम जो लग रहा है रिप्रोडक्शन को करने में, क्योंकि एक प्रोसेस को फॉलो करना है जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसमें टाइम लग रहा है। अब हम बात करें वेरिएशन की, क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगा? बिल्कुल आएगा। जब 50% एक पेरेंट से आएंगे, 50% दूसरे पेरेंट से आएंगे, तो 100% बनेगा तो 100% नया बनेगा और 50% ही वह अपने एक पेरेंट से मिलता जुलता उसका क्रोमोसोम आया है और 50% ही दूसरे पेरेंट से आया है, तो 50-50% दोनों का मिलकर यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, जो इन्फेंट मिलेगा उसका नेचर होगा हाइब्रिड। हाइब्रिड बोले तो वह संकर होगा, जैसे कि हम हमारे माता व पिता के संकरण से हम संकर पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। जब वेरिएशन आया तो नया जीव बना जिसमें वह डिटो कॉपी नहीं है, ना तो उसके सिंगल पेरेंट्स की, ना उसके अदर पेरेंट्स की, ना तो माता की ना पिता की, वह डिटो कॉपी दोनों की मिक्सअप है, हाइब्रिड है। इस वजह से इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएशन आएगा और वेरिएशन आने की वजह से वह अब आगे जाकर धीरे धीरे, अब वह भी जब नए बच्चे पैदा करेगा तो उसका 50% ही उसके बच्चे में जाएगा, 50% उसके फीमेल पार्टनर से आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो अलग अलग पार्टनर से आगे जनरेशन टू जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे क्रोमोसोम ट्रांसफर होते रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते रहते हैं, जिससे न्यू स्पीसीज बनती है। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में बहुत अच्छा था, परिणात्मक दृष्टि से अच्छा था, कम समय में हो रहा था, लेकिन यह क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गुणात्मक दृष्टि से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छा है। तो अब हम आगे बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर, इन दोनों का विभेद हम एक चार्ट के फॉर्म में करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए एवं इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस को लेकर, दोनों मेथड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन नाम से ही पता था क्योंकि उसमें कोई भी लैंगिक क्रिया नहीं हो रही थी, सेक्सुअल इवेंट नहीं हो रहे थे, इसलिए एब्सेंट हो जाएगा, नाम ही अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी जो सेक्सुअल इवेंट्स थे वो हो रहे थे, आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको आगे चार्ट से भी बताया था कि सेक्सुअल इवेंट कौन कौन से हैं, उसके नाम मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर बात करते हैं गेमिट फॉर्मेशन की, तो गेमिट फॉर्मेशन जब गेमिट बना ही नहीं तो कैसे हो सकता है, गेमिट ही एब्सेंट है तो इसलिए गेमिट फॉर्मेशन भी एब्सेंट रहेगा जबकि इधर प्रेजेंट रहेगा। अब बात करें पेरेंट्स की, तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स ही था इसलिए इसको यूनिपेरेंटल बोला गया, जबकि यहाँ पे बाई पेरेंटल है, एक मेल है एक फीमेल है, और फिर उसी वजह से रिप्रोडक्शन यूनिट जो है उसी यूनिपेरेंट की
एक कोई भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, बिलबिल हो सकता है, या फिर हम बात करें उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर है प्लांट में तो वो हो सकता है, या हम पोरीफेरा में जाए स्पॉन्ज में तो जेम्यूल्स भी उसकी बॉडी का पार्ट है जो बडिंग और जो है मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू जो है हमें आगे मिलता है। फिर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्योंकि इसका लाइफ स्पान बहुत, हम आगे डिस्कस करेंगे लाइफ स्पान के बारे में भी, लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, जीवन काल छोटा होता है, इसलिए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत हाई होता है, जबकि इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन लो होता है क्योंकि इसको अलग अलग स्टेजेस से पास होना पड़ता है, टाइम यहाँ पे बहुत कम लगता है जबकि यहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है। यह एक बहुत ही सरल प्रकार की क्रिया है, प्रोसेस की बात करें तो, जबकि यह बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिव फॉर्म की है, पहले गेमिट का बनना, फिर उसका ट्रांसफर होना, फिर वापस से उसका डिवाइडेशन होना माइटोसिस मियोसिस में, और फिर जो है आगे वहां पर अंदर जाकर जो है फर्टिलाइजेशन करना और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करना, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस है जिसको अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। वही बात करें डिवीजन, तो ये सिर्फ सिंगल डिवीजन होता है माइटोसिस, जबकि यहाँ पे डिवीजन पहले माइटोसिस होता है ग्रोथ फेज में, फिर मियोसिस होता है। फिर बात करते हैं वेरिएशन, वेरिएशन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस हो रहा है इसलिए वेरिएशन नहीं आएगा, डिट्टो कॉपी बनेगी जिसको क्लोन कहेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे क्लोन आ जाएगा। वही बात करें यहाँ पे वेरिएशन की, तो वेरिएशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइब्रिड नेचर का होगा, और हाइब्रिड मतलब कि संकरण किसका, मेल और फीमेल का। इसी वजह से एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज्यादा अच्छा है, तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, जबकि यह जो है बहुत ही अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। इस वजह से हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें नई जातियां मिल रही है क्योंकि यह क्वालिटेटिव है, यह कौन सा है, यह है क्वालिटेटिव है, यहाँ गुणात्मक जो है परिवर्तन हो रहा है वही यह क्वांटिटेटिव है, सिर्फ संख्यात्मक परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आप लोग चाहे तो इसे आप नोट कर सकते हैं, पर नोट करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत अंतर। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ रहा है, माइटोसिस ही है, मियोसिस एब्सेंट है इसलिए। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के बाद में मियोसिस होने की वजह से वेरिएशन आता है और न्यू स्पीसीज बनती है, तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह एडवांस है। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्वालिटेटिव या गुणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके सारे एग्जाम्पल आपके लोअर एनिमल्स, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा के एनिमल्स इसके एग्जाम्पल होंगे, और लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी इसके एग्जाम्पल में आएंगे, एवं इसके मेथड्स की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जिसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। वही इसके एग्जाम्पल हैं हायर, हमारे जितने भी एनिमल्स हैं नॉन कॉर्डेट के, चाहे कॉर्डेट के, और प्लांट सारे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। अब आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट करना चाहे तो प्लीज नोट इट, एवं मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एवं बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिएगा। बात करते हैं यह क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पर जीवन की सततता को बनाए रखने के लिए, और हर जीव इसमें कंट्रीब्यूट करता है। कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वह रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जीन्स को ट्रांसफर करता है नेक्स्ट पीढ़ी में, क्योंकि उसको पता है कि उसको एक दिन मरना है। सिर्फ अमीबा को छोड़कर समस्त जीव धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त करने से पहले जो है हमारी जाति को बचा ले। तो इस तरीके से अलग अलग जीव जो है अपनी अपनी जातियों को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जीव को जो है कंजर्व कर लेते हैं। अगर वो मर भी जाते हैं तो उनकी नई पीढ़ी जो है उस जाति की सततता को बनाए रखती है, और इस तरीके से अलग अलग जातियां जो है आपस में मिलकर पूरी धरती पर जीवन की सततता को, लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। तो आज अभी हमने देख लिया कि क्यों यह जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना जरूरी है। अब हम आगे बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं। दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन एवं सेक्सुअल लैंगिक जनन। अब बात आती है कि जो दो टाइप है उसका बेस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि कोई भी जीव जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही
इफेक्ट करेगा रिप्रोडक्शन के मेथड्स को, क्योंकि जो उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा उसकी बॉडी का संगठन होगा, वह उसी प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है। तो हम आगे देखेंगे कि जो सिंपल टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव है एवं पेड़ पौधे हैं, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जीव जो है एनिमल्स एवं प्लांट्स जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा।